सोलन में सुबह से तेज बारिश हो रही थी। इस बारिश ने जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के लिए ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं मानी जा रही है, क्योंकि काफी समय से सोलन में बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से खेत सूखते जा रहे थे और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन राहत भरी बारिश ने इस नुकसान को रोक लगा दी है और यही कारण है कि आम जन के साथ किसान भी बेहद खुश है। सोलन में गत दिन हुई तेज बारिश के कारण जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं किसानों के लिए ये बारिश वरदान से कम नहीं है, क्योंकि काफी समय से सोलन में बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से खेत सूखते जा रहे थे और फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन राहत भरी बारिश ने इस नुकसान पर रोक लगा दी है। यही कारण है कि आमजन के साथ किसान भी बेहद खुश हैं। किसानों का इस मौके पर कहना है कि टमाटर, मटर, शिमला मिर्च, मक्की और बीन्स के लिए ये बारिश संजीवनी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि काफी समय से खेत सूखे पड़े थे, फसलों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से जैसे सूखती फसलों को नई जान मिल गई है। यही वजह है कि सभी किसानों के द्वारा इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद जताई है, जिस कारण अब किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। आज सुबह से जो वर्षा हुई है, इस वर्षा से जो हमारे गांव के किसान हैं, इसको कामधेनु के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से वर्षा नहीं हो पाई थी, जिससे खेत सूखे पड़े थे और ढंग से जो है वर्षा ना होने के कारण शिमला मिर्च, मटर, टमाटर और शिमला मिर्च और मखन बीन के लिए ये जो सूखा था वो घातक था। वर्षा होने से हमारे किसानों के चेहरे खिल चुके हैं और न केवल चेहरे खिले हैं, बल्कि उनको भरपूर फसल आने की उम्मीद हो गई है। मटर, टमाटर और टमाटर के साथ साथ जो हमारे शिमला मिर्च और मक्खन बीन, ये ऐसी फसलें हैं जो नकदी फसलों के रूप में जानी जाती हैं, तो ये फसलें, इन फसलों के लिए और जो मक्की की फसल लगी है उसके लिए ये संजीवनी बनकर वर्षा बरसी हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एक वर्षा ना होने के कारण कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही थी, वर्षा होने के साथ वो भी अपने आप में एकदम से समाप्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो गर्मी से राहत मिली है, जिससे कि आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो गया। सभी किसान भाइयों के चेहरे खिले हुए हैं और उनको अच्छी पैदावार होने की संभावना है, जिससे वो अपना खुशहाल जीवन बिता सकें। बहुत दिनों बाद आज हमारे सोलन शहर में बारिश हुई, जिससे कि हमारे किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं और गर्मी से बहुत राहत मिली है और उनकी फसलें भी अच्छी होंगी। मेरा नाम मनमीत सिंह है, मैं सोलन का निवासी हूं और सोलन का रहने वाला हूं। काफ़ी समय से यहां सोलन में बरखा नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, तो आज बारिश हुई है और काफ़ी इससे गर्मी को राहत मिली है, नहीं तो यहां पे पंजाब जैसा हाल हो गया था। किसानों को बहुत फायदा हुआ है, किसानों की फसलें अच्छी हो रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।